नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। चिदाकाश ध्यान चैनल में आपका स्वागत है और आज एक अच्छे विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक मित्र ने मुझे पूछा, गुरुजी रमण महर्षि के बारे में बताइए। और रमण महर्षि ने जो उपदेश सार करके एक जो उनका ग्रंथ है उसका थोड़ा विवरण दीजिए और हमको समझाइए कि वो हमको क्या समझाना चाहते थे। तो मैंने बोला चलो आपकी भी इच्छा है और आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि क्या है कि जैसे ही एक लॉ ऑफ एट्रैक्शन होता है उसका मतलब कि आपकी बहुत जन्म की साधना होगी और वो आपके लिए ही ये वीडियो बन रहा है। तो जो साधक होगा, जो सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करता होगा कि हे प्रभु हमें मार्गदर्शन दे, तो वो प्रभु मेरे दिल में प्रेरणा करता है और मुझे वो प्रेरणा से फिर मोटिवेशन भी मिलता है और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम रमण महर्षि का जो उपदेश सार है उसका जो श्लोक है उसका हम लोग पठन पाठन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, वो भारत के अनमोल रत्न है, आध्यात्मिक रत्न है, उनके बारे में कौन नहीं जानता। पर उनकी जो बातें हैं वो समझने में थोड़ा कठिन होता है, तो मगर वो अपने मार्गदर्शक बनते हैं। आध्यात्मिक जो मार्ग है उसमें मार्गदर्शक की जरूरत होती है, तो आपको मार्गदर्शन मिले इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं, वो मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप सुनिए। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। उपदेश सार करके जो ग्रंथ है उसका पहला श्लोक है, उसमें है कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। तो उसका हम हिंदी, ये संस्कृत में, तो हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा से ही कर्म फल की प्राप्ति होती है। देखो सृष्टिकर्ता कोई है, तो सृष्टिकर्ता कौन है? तो भगवद गीता में एक श्लोक है, भगवान बताते हैं जो ईश्वर है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। प्रभु बताते हैं कि ये सृष्टि मैंने बनाई। अब जब प्रभु ने सृष्टि बनाई तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, और मैं सृष्टि को संचालित करता हूँ। आई एम द ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्ल्ड, मैं पूरी सृष्टि का संचालक हूँ। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी कौन देता है? तो रमण महर्षि बताते हैं कि सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा से ही कर्म फल की प्राप्ति होती है। अभी कर्म के बारे में ऐसे हम सोचे तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक जो कर्म रहते हैं अभी जो हम कर रहे थे उसको क्रियामान कर्म कर बोलते हैं। अभी बहुत जो कर्म से आपका जन्म हुआ है उसी को प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और अभी ये जो है, तो जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि एक संचित कर्म भी ऐसा एक विषय है। तो तीन प्रकार के कर्म हुए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और फिर क्रियामान कर्म। कर्म की जब बात हम बाद में करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, मगर ये तीन प्रकार के कर्म हैं। तो कर्म फल दाता जो प्रभु है, ईश्वर है, विभु है, वो कर्म के हिसाब से हमको फल देता है। तो रमण महर्षि जो है वो एक विलक्षण, एक श्रेष्ठ योगी है। तो वो बताते हैं कि ये जो कर्म है ना, वो जब मैं आपको बोलने जा रहा हूं तो आपको भी आश्चर्य रहेगा। तो वो कर्म फल जो है, तो कर्म जो है वो आपको मोक्ष तक नहीं ले जाता। वो बताते हैं कि कर्म किम परम कर्म तज जड़म। कर्म जो है वो परम नहीं है, वो क्या है? वो जड़ है। और जड़ वस्तु से चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, तो कर्म से उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए तो आपने सुना होगा, न मुख से जपो, न कर से जपो, न मन से जपो, न राम राम जबी हमको जबे तब पावे आराम। तो यदि आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक आपको मोक्ष नहीं होता है। और आत्मज्ञान के लिए एक जो कर्म है वो जड़ साधन है, वो चेतन साधन नहीं है। रमण महर्षि आगे बताएंगे कि कैसे क्या करना है, मगर पहला जो श्लोक है उसमें कर्म किम परम कर्म तज्जड़म।
तो ये जो कर्म है एक वेद का मंत्र है, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न, वो बताता है कर्म करने से, धन के त्यागने से वो अमृत तत्व नहीं मिलता है। देखो मनुष्य जन्म आपको मिला है तो उसका मतलब मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य ए मोक्ष है। तो मैं अभी देखो मेरा जो सुनने वाला वर्ग है, जो सुनने वाला, वो मैं ऐसे समझता हूँ कि पहले स्टूडेंट भी होते हैं, फिर जैसे हम लोग बात करेंगे तो जैसे 15 साल से पकड़ते हैं तो 35 साल तक के भी जो भी लोग हैं वो भी हैं, फिर 35 से लेके हम 55 तक पकड़ते हैं 55, और फिर 55 से ऊपर के जो लोग हैं, तो तीनों लोग जो है उन लोगों को ये ज्ञान कैसे काम आता है तो मैं बताता हूँ। तो पहली स्थिति है स्टूडेंट की, तो एक जो विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए बैठता है, उसी को गणित है विज्ञान है, उसके लिए वो मेहनत करता है, तो उसमें जो यदि उसको श्रेष्ठ स्टूडेंट बनना है, देखो तो क्या होता है कि जैसे ही वो प्रयत्न करेगा कर्म करने के लिए जाएगा, तो रमण महर्षि बताते हैं कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म से कोई और वस्तु श्रेष्ठ है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सेकंड श्लोक में, मगर अभी मैं बताता हूं कि यदि कोई आदमी है, हमने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसका मतलब आप जो प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, मगर यदि आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो मिस आपको परिणाम नहीं आएगा। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं स्टूडेंट के लिए है, तो वो स्टूडेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये जो रमण महर्षि का जो उपदेशार की सीरीज है वो देखे। फिर दूसरा आता है ऐसे 35 से लेके 55 साल की जो उम्र है उसमें जो रहता है, जिसे चाहे स्त्री या पुरुष है, जो काम भी करते हैं गृहिणी भी, वो लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं, तो वो भी कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, अपना जीवन जो है तो वो कर्म से ही भरा है। आपने देखा होगा, आप आपके जीवन का विश्लेषण कीजिए, जैसे ही सुबह उठते क्या होता है, आप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो रमण महर्षि बताते हैं कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, तो रुकिए, वो आप जो कर्म कर रहे हैं दैट वर्क जो भी है, एक्शन बोलेंगे ऐसा, तो दैट एक्शन अराइव फ्रॉम देयर अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड, तो आपके जो संस्कार पड़े हैं चित्त में उससे कर्म आ रहा है, या फिर कुछ आप और आगे बढ़ना चाहते हैं वहां से कर्म आ रहता है। तो इफ यू वांट गेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो ये जो कर्म है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि आपको चेतन की ओर ले जाए। अभी 55 से जो ऊपर के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, हेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं। तो जो हेल्थ है और हैप्पीनेस है तो कैसे मिलेगा, तो मैं अभी आपसे बताता हूं कि अध्यात्म जो ऋषि मुनियों ने जो बताया, रमण महर्षि जब बता रहे हैं तो उनका फोकस जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, मगर उनके अंदर की जो भाव है, वो जो करुणा है, पूरे संसार के सागर के लिए है। तो आज का पहला श्लोक में जो बताया मैं फिर से पढ़ता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा से ही कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो देखो इसमें दो बातें हुई, एक आप हैं और कर्म फल देने वाला ईश्वर है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं क्या, आपका जो भी कर्म है वो जो कर्म का कोई फल देने वाला है, जैसे मैं अभी आध्यात्मिक साधक है उसके लिए मैं बताता हूं, जो साधक है तो मेरा एक स्टेटमेंट आप सुनिए, इन एनी केस समझ लो, टू बिकम एंग्री इट इज नॉट जस्टिफाइड। आध्यात्मिकता में यदि आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो वो जो है उसमें जस्टिफिकेशन नहीं होता है, वो उसका मतलब है कि आपको समझना चाहिए। और ये जो साधना है वो आध्यात्मिक भी है, उससे आपको संसार की भी प्राप्ति होती है, मिस कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो अभी जो वीडियो है, तो अभी क्या है कि मैंने सोचा है कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, जैसे आपको क्या है कि आप आराम से देख सकते हैं, तो मेरा वीडियो पूरा आपको देखना है और मैं जो बता रहा हूं तो उसमें हमने ये वीडियो में दो बातें की चर्चा किया है। पहला है कि कर्म फलदाता ईश्वर है और वो कर्म का फल देता है, और दूसरी बात है कि जो कर्म है
वो जड़ है, जड़ का मतलब है कि वो चेतन नहीं है। तो अगले वीडियो में हम जैसे जैसे सीरीज चलेगी तो मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। तो अभी आशीर्वाद होता है, तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। अस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु।